मेरठ के कंकरखेड़ा आर्ट सिटी के सामने पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के मारे जाने की सूचना मिली है। हालांकि पुलिस ने इस बात की अभी पुष्टि नहीं की। आपको बता दें कि ये बदमाश दिल्ली निवासी बताया जा रहा है। कुख्यात बदमाश शक्ति नायडू पुलिस के आला अधिकारी वहीं मौके पर पहुंचे और मीडिया को भी घटना स्थल पर जाने से रोका गया। दो बदमाश, एक बदमाश घायल है जी, एक हमारा पुलिस का क्षेत्र अधिकारी घायल है, और जो इंजर्ड बदमाश है उसको इलाज के लिए ले जाया गया है। इसने अपना नाम शिव शक्ति नायडू बताया है, जो 30/31 की रात में यहाँ कंकड़ थाना क्षेत्र में मर्डर करके गया था। साथ ही साथ इस पर 1,00,000 का इनाम भी घोषित है और दिल्ली से इस पर कई सनसनीखेज मुकदमे दर्ज हैं। और ये बदमाश अभी जो अखबारों में आया था कि किसी ACP को भी थ्रेट दे रहा था, और 2014 में इन लोगों ने 5 करोड़ की डकैती डाली थी, और ये जो इनका अपना गैंगवार था उसके तहत ही यहाँ पर इन्होंने एक व्यक्ति की, अपने साथी की हत्या की थी और उसके एक रिश्तेदार को घायल किया था। उसी संबंध में यहाँ मौके पर आप देखेंगे कि कल एक रात को फॉर्चूनर छीनी गई थी जी, फॉर्चूनर भी यहाँ खड़ी है, तो लगता है कि ये गैंग फिर से यहाँ आके एक्टिव था। आज दिन दहाड़े ये मुठभेड़ हुई है और बहुत बहादुरी से पुलिस वालों ने इसका मुकाबला किया है और घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया है और प्राथमिक उपचार उसका कराया। सर कितने इसमें पुलिसकर्मी आए? कौन सा बदमाश मरा है सर? अभी मरा कोई भी बदमाश नहीं है, शिव शक्ति घायल है जिसको अस्पताल ले जाया गया है, एक ही बदमाश घायल है और उसके पास से तमाम वेपन वगैरह बरामद हुआ है जिसका विस्तृत विवरण। सर ये वही शिव शक्ति है जिन्होंने शिप्रा जो शिल्पा जो है उनके पति को रैनसम मांगी थी? इतना डिटेल अभी नहीं पता है, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ की ACP पे को मारने की इसकी योजना थी और अच्छा बदमाश था, दिल्ली में इसका बहुत ही ज़्यादा टेरर था और फिर से किसी घटना को अंजाम देने आया था, और रात जो गाड़ी लूटी गई थी वो गाड़ी भी बरामद की गई। आगे की कार्रवाई जब जैसा डेवलपमेंट होगा आप लोग से शेयर किया जाए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।